किसी को कभी किसी को कभी किसी को, कि मुझे घूमने का शौक था, एक पार्टनर मिल गया, फिर लद्दाख भी भाग गए वही वाले स्कूटर से, उसी स्कूटर से 86 मॉडल है मेरा स्कूटर। 3 बजे से हमने पोंटा साहब गाड़ी लगा दी अपना स्कूटर, फिर वहाँ से रामपुर बसाया जूरी सराहन करछम रक्षम सांगला छिटकुल जंगे मुरंग खाव नाका यंगतम समझू के बर, बहुत दूर तक गए हम लोग। जब से सोशल मीडिया आया है ज़्यादा, इजी जॉब टू गो देयर जी, रिस्की एडवेंचर है, वो टेस्ट ऐसा है कि जाके जो जाते हैं उन्हीं को पता है कि क्या चीज है ये, इस ट्रैक में क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू शो के पहले एपिसोड में, हमारा पहला पॉडकास्ट। जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आज तक ट्रैवलिंग के और मोटो व्लॉगिंग के कंटेंट एंजॉय करते हुए आए हैं, खूब मज़े लूटते हुए आए हैं, खूब एंजॉय करके आए हैं हमारे कंटेंट के साथ। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसी और भी बहुत सारी नॉलेज है जो हम लोग को सिर्फ ऐसे कंटेंट से नहीं मिल सकती, लेकिन पॉडकास्ट के थ्रू या दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर आप कहो कि दूसरे लोगों की ज़ुबानी हम लोग को ये नॉलेज मिल सकती है। सो दैट इज़ अ मोटिव ऑफ आर शो, दैट इज़ अ मोटिव ऑफ आर पॉडकास्ट। सो दोस्तों, जो हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, और उनको आपकी और हमारी ही तरह एक्सप्लोर करने का, ट्रैवल करने का, नई नई जगहें घूमने का बहुत शौक है। उन्होंने अपने शौक को जी भर के जिया है और आज भी जी रहे हैं, आज भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं टू द फुलेस्ट। सो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फॉर मोर फ्रेश कंटेंट और भी बहुत सारी मजेदार वीडियोस के लिए। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस आपकी आवाज़ सुन के कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी भर के आ गए। और आज ये हमारे पॉडकास्ट का जो पहला एपिसोड है वो आपके साथ हो रहा है, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके सर, आपसे जब भी मिला हूँ आपसे बड़ी पॉजिटिविटी मिली है, स्माइल आपकी बहुत टॉप की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो कैसा लग रहा है सर आपको आके स्टूडियो में? वेरी गुड, दो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम जी, इवन देन आई एम एंजॉयिंग दिस वन। बातें मेरे अंदर बहुत सारी हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि घूमने का मुझे भी शौक है आपकी तरह। अभी एज थोड़ी कम है, अभी कुछ तक बहुत ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी घूमा हूँ खूब मज़े करे हैं मैंने भी, और आपसे भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे लेना है। आपको जो ये घूमने का शौक़ है, आपका जो ट्रैवल करने का शौक़ है, इसकी सर शुरुआत कहाँ से हुई, बा मुझे आप सबको स्टार्टिंग से बताइए, मैं उसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। देखो, हम लोग हरिद्वार में रहते हैं, बहुत बढ़िया जगह है जी, दोनों साइड में पहाड़, बीच में रिवर कैनाल, रिवर बेड, एवरीथिंग इज़ देयर। लोग भी बहुत आते हैं घूमने के लिए यहाँ, लेकिन घूमने के हिसाब से अपने अपने शौक़ होते हैं लोगों के। कुछ पहाड़ों में घूमना चाहते हैं, कुछ धर्म के हिसाब से घूमना चाहते हैं, हरिद्वार में चलो पूजा पाठ करेंगे, गंगा में नहाएंगे, लाइक दैट वे जी। बचपन से ही हम लोग, चूँकि आई बिलोंग टू हिमाचल, तो पहाड़ों से तो मोहब्बत है ही है, तो दोनों पहाड़ सामने होते थे तो हम लोग बचपन से ही भागते थे पहाड़ों पर, डेली जाने का काम था हम लोगों का। अच्छा जी। और कितनी देर में चढ़ेंगे, कितनी देर में उतरेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 18 मिनट में हम मनसा देवी का आने जाना कर लेते थे। वाह। 13 मिनट में चढ़ते थे और 5 मिनट में उतरते थे। अरे तो ये तो बचपन की बात थी जी। फिर छतों में पतंग उड़ानी, कूदना, एक छत से दूसरी छत पर जाना, फिर रिवर, रिवर का होना तो बहुत बड़ी बात है, शहर के बीच में रिवर और घर के बिल्कुल बाहर हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो स्विमिंग का शौक़ था, घर से चोरी चोरी जाना, तैरना, तैरना भी अपने आप सीखा, फिर इतना सीखा, इतना सीखा कि 6th क्लास में गंगा क्रॉस कर दी कैनाल। अरे और हंड्रेड टाइम्स हम तैरे इसके अंदर, बहुत शौक़ था तैरने का, और उसकी वजह से हमने अपना फिजिकल स्टेमिना बना के रखा, लाइक दैट वे। तो बचपन से ही ये थोड़े थोड़े शौक़ बने हुए थे और हम निकलते थे, कभी चंडी देवी, कभी मनसा देवी, पास में जंगल भी है, चीला की तरफ चले गए। फिर साइकिलिंग का शौक़ था तो साइकिलिंग लेके ऋषिकेश भाग जाना। अरे इस तरीके से शुरू से ही 3-4 इकट्ठे हुए और निकल लिए। अब मनसा देवी के पीछे भी एक पहाड़ है और ऊंचा जी, सुनार कोठी, हम वहाँ भी जाते थे। अरे 4-5 लड़के चले गए, पानी बोतलों में भर लिया, बेयर एंड लैंड कुछ नहीं, सूखे पहाड़ हैं वहाँ, सूखे पेड़ पौधे होते थे, लेकिन जाते थे। तो थोड़ा सा बेसिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। अरे भाई, फिर बड़े होते चले गए, बड़े होने के बाद जो है फिर जब स्कूटर आ गया तो फिर हमने आउटिंग स्टार्ट करी।
आसपास के जितने भी एक्सकर्सन पॉइंट हैं कोई नहीं छोड़ा, चाहे विंध्यवासिनी है, चाहे नजीबाबाद की साइड के हैं, वशिष्ठ गुफा है, देवप्रयाग तक भी गए, और कुंजा देवी की हाइट यानी बहुत नज़दीक में ओनली 48 किलोमीटर 6000 फीट की हाइट है, वहाँ हम लोग स्कूटर पर जाने लगे। आप क्या सोचेंगे, 100 times गए हम लोग जी, 100 times में भी 50 times 50 लोगों को साथ लेके गया मैं, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, क्योंकि मुझे घूमने का शौक था, एक पार्टनर मिल गया। तो 100 times कुंजा देवी यू जस्ट सी, तो दैट वाज द बिगिनिंग। फिर तो लंबे रूट निकलने शुरू हो गए, बद्रीनाथ भी गए हम लोग, अरे फिर लद्दाख भी भाग गए, वही वाले स्कूटर से, उसी स्कूटर से, 86 मॉडल है मेरा स्कूटर और स्टिल रजिस्टर्ड है RTO के यहाँ 27 तक लेटेस्ट। अपने एक बार ये सर मुझे स्कूटर के बारे में बताइए, कौन सा स्कूटर था, कौन सा ईयर का? मेरा बजाज सुपर था। अच्छा जी, दैट टाइम इट वाज ऑन द टॉप, और मैं हर चीज़ को परफेक्ट रखने का शौक है जी, चाहे ड्रेस कोड हो, चाहे शूज अपने शूज हो, चाहे पेन हो, चाहे बॉल पेन हो, एवरीथिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वो ट्यून्ड। स्कूटर का तो शौक था ही था, तो हम उसकी सर्विस टाइम पर कराना, मोबिल ऑयल चेंज कराना, अपने सामने बैठ के कराना, कभी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सर्विस कराई, जितना हुआ साल भर चलता है, फिर चला के उसके बाद फिर हमने स्टार्ट कर दिया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब लद्दाख गए हम, इट वाज 2000 जी, स्कूटर 86 मॉडल जी, 14 ईयर ओल्ड स्कूटर को इतने कॉन्फिडेंस के साथ लद्दाख ले जाना, दैट टू ऑन द खरदुंगला टॉप, चैलेंजिंग है सर। और आप ये देखो कि एक बार भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इंजन गर्म नहीं हुआ, एवरी राइज हैज़ ए फॉल, चढ़ेगा तो उतरेगा भी, ठंडा हो जाएगा, कोई पंचर नहीं हुआ, कहीं प्लग शॉर्ट नहीं हुआ। चलने से पहले ही हमने उसको अच्छी तरह से सर्विस करा के सारे वायर चेंज करा के ले गए, 4 दिन लगे हमको पहुंचने में। अच्छा जी, पहुंचने के बाद हमने उसका फिर मोबिल ऑयल चेंज करवाया, इंजन ऑयल जो है चेंज करवाया, तब हम कारगिल दराज श्रीनगर पटनी टॉप से लौट करके आए थे। तो अगर आप अपने गाड़ी को मेंटेन रखते हैं तो कभी भी धोखा नहीं देती है। मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने उसको कभी ड्रैग किया हो, इतना परफेक्ट व्हीकल है। तो स्कूटर के मामले में तो आप ये देख लो कि जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे जी जी, जब तक आप उसको अच्छी तरह से अपना समझ के नहीं चलाएंगे, तो आपको टेक्निक आनी चाहिए चलाने की जी, कि कब गियर बदलना है, कब उसको स्पीड बढ़ानी है, कब उसका ब्रेक मारना है। रूल एक ही है, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, नेवर टच द क्लच, नेवर प्रेस द ब्रेक। क्लच छूना नहीं है, ब्रेक दबाना नहीं है, वह गियर बदला, फर्स्ट मांगता फर्स्ट में चलाओ, सेकंड मांगता सेकंड में चलाओ, थर्ड मांगता थर्ड में चलाओ, बार बार गियर बदलेंगे, बार बार उसको करेंगे जी, दैट्स नॉट द राइट थिंग बीइंग अ बाइकर। ये चीज़ मैं भी फील कर सकता हूँ ना, ब्रेक डाउन करेंगे आप उसको, बार बार गियर बदलेंगे तो गियर पे प्रेशर पड़ेगा, बार बार क्लच दबाएंगे आप फ्यूल बेकार जाएगा, बार बार ब्रेक मारेंगे तो आपका टायर घिसेगा जी। एंटीसिपेशन इज द मेन थिंग, द की इज एंटीसिपेशन। आप एडवांस में देखो कि मुझे वहाँ से टर्न लेना है, आप स्पीड यहीं तोड़ दो, आराम से उठा लो, बार बार उसको जो है एक्सीलेटर घुमा रहे हैं घूम घूम कर रहे हैं, व्हाट्स द फन बिहाइंड। गाड़ी को जस्ट लाइक जैसे मम्मी दूध पिलाती है ना बच्चे को, प्यार से ऐसे रखो, फिर कुछ भी नहीं मांगता। इन सब चीज़ों से मेंटेनेंस पे काफ़ी फर्क पड़ता है, ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। लद्दाख तक पहुँचने में एक पंचर नहीं हुआ, वापसी तक एक पंचर नहीं हुआ, तो इसकी भी तो बैकग्राउंड है ना, आपको रोड की कंडीशन देखनी है, पेबल्स हैं, पत्थर हैं, पॉइंटेड हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सोच समझ कर हर चीज़ पर नज़र रखनी है आपको, तब जाके पहुँचते हैं। अब सर लद्दाख की बात छिड़ी गई है तो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। अब माना आपने अपनी स्कूटर बहुत अच्छे से मेंटेन करी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन सर जैसे ये आपके जो स्कूटर के टायर रहे होंगे वो तो उस टाइम पर ट्यूब वाले रहे होंगे, बिल्कुल, तो आपने कुछ तो प्रिपरेशन करी होगी कि फॉर पंक्चर उससे मैं कैसे बचूंगा। जब हमने जाना था तो हमने पहले प्लान कर रखा था कि हमने ब्रांड न्यू टायर डालने हैं जी, हमने ब्रांड न्यू टायर डाले, ट्यूब होती थी, मैंने बोला पंचर नहीं हुआ, इल्ला के हमारा के पंचर नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ 3 सरदार थे, अब बीइंग ए टीचर तो कोई टीचर जाने से रहा मेरे साथ, बीइंग ए डॉक्टर कोई डॉक्टर जाने से रहा, कोई कंपनी नहीं मिली
किसी को भी मैं कहूँगी चलो तो लद्दाख दिमाग ख़राब है, जो क्रैक हैं वो जाते हैं लद्दाख, ऐसे बोलते थे लोग। आखिरकार तीन सिख जी मेरे वेल नोन वेल विशर मेरे से मोहब्बत करते थे, वो आए, उनको पता लगा कि मैं प्लान कर रहा हूँ जाने की, तो मेरे पास आ गए, वो बैठने लगे। मैंने कहा देखो ऐसा है 15 डेज तक मेरे पास बैठना पड़ेगा आपको डेली आ करके, जब हम गेट टुगेदर हो जाएगा मैं पहचानूंगा तुम कितने पानी में हो, तब फिर हम चलेंगे यहाँ से। और रेगुलरली दे केम डेली टू मी, आते थे, हाथ पैर जोड़ते थे, बैठते थे, मोहब्बत करते थे। मैं उनको लेके गया, मैं बियॉन्ड 50 था, वो 25 थे, वो भी स्कूटर पे थे, एक बार LML था, एक के बाद चेतक था। अच्छा, तीन जने दो पे चलते थे, मैं अकेला चलता था, और इस तरह से हमें कंपनी मिली वहाँ से चलने के लिए। तो लोग जाने के लिए कोई तैयारी नहीं होता था, ये कंपनी मिलने के बाद अब हम निकल के गए यहाँ से। तो जैसे आज की डेट में एक पंक्चर के लिए ये तो पंक्चर रिपेयर किट भी आती है, उनमें से जो है ना एक आदमी टेक्निकल था। अच्छा जी। जो स्कूटर के पंचर को गाड़ी को ठीक कर सकता था, वो सारा सामान लेके गया। और जो पंचर से बचने का तरीका मैंने आपको बताया कि हर पेबल को देख के चलो, जल्दी से पंचर होता नहीं। तो उसके बाद फुट पंप भी था जी, और पंचर की किट भी थी। अच्छा। तो पहिया खोल सकता था, व्हील को खोल सकता था, बना सकता जी, था जी, जी, जी। लेकिन किसी का भी पंचर नहीं हुआ। ये तो लक्की बात हुई सर, किसी का पंचर नहीं। तो इसलिए पंचर की बात तो उस टाइम थी, खतरा वो भी था, लेकिन हम प्रिकॉशन लेके गए तो बचाव रहा। अब इतना बड़ा रिस्क आप लोग लेके गए लद्दाख, जिस टाइम पे आप बोलते थे कि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा टफ था पिछले के टाइम में, और मतलब लोग ये बोलते थे कि जो लोग क्रैक हैं वो लोग जाते हैं। हाँ 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 लेकिन वो तो सर क्रेज़ है, वो सर क्रेज़ की बात होती है। अब लोग आज ही बोलते कि 11 लाख की बाइक ले ली है तो क्रैक लोग लेते हैं, अब वो क्रेज़ की बात है सर। उस टाइम पे आप लद्दाख जब आप गए थे, आप कौन से ईयर में गए थे? हम गए 2000 में। आप 2000 में गए थे, अगस्त में गए थे, 26 अगस्त को। जी, आज के कंपैरेटिवली अगर मैं पूछूं उस टाइम का लद्दाख कैसा रहा था? लद्दाख तो वैसा ही है जी, टेरेन वैसा ही है, कुछ उसमें चेंज क्या नहीं चेंज होगा? तो बेरन लैंड है, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, लंबी लंबी सड़कें हैं। अब ये चेंज आ गया कि वहाँ होटल बहुत बन गए हैं, पब्लिक बहुत जाने लगी है। देखा देखी, आपको आपका टेस्ट क्या है जाने के पीछे, बैकग्राउंड क्या है, क्या सोच के जाना चाहते हैं आप वहाँ पर जी? क्या नेचर की ब्यूटी देखने जाना चाहते हैं या बाइक का मज़ा लेने जाना चाहते हैं? तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। आप तो देखा देखिए लोग जाते हैं कि हम भी लद्दाख गए, हम भी लद्दाख गए, हम भी लद्दाख गए। जब से सोशल मीडिया आया है ज़्यादा बढ़ गया। इट्स नॉट इजी जॉब टू गो देयर जी, रिस्की एडवेंचर है। व्हाट इज एडवेंचर? लिटिल रिस्क, लाइफ थ्रेटनिंग, बट अगर आप केयरफुल हैं तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग होने के बावजूद भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर तरह की प्रिपरेशन करके चलनी है, मेंटल भी फिजिकल भी। तो लद्दाख तो वही है, लेकिन जहाँ जहाँ स्टॉपेज हैं वहाँ काफ़ी इंतजाम हो गए। हमारे टाइम में तो सारचू में टेंट मिले थे, जो जंक्शन है J&K का और हिमाचल का। अच्छा जी। अदरवाइज तो टेंट मिलते ही कहाँ थे वहाँ। तो हम लोग लंबे स्ट्रेच को कवर करते थे, जैसे हम हरिद्वार से चले तो मंडी जाके रुके, हम 500 किलोमीटर कवर किया हमने फर्स्ट डे में। सेकंड डे में हम वहाँ से चले तो रोहतांग क्रॉस करके किलोंग में रात काटी हमने, थर्ड डे सारचू में काटी, फोर्थ डे हम वहाँ लेह में पहुँचे, तब फिफ्थ डे में जा कर के हमने परमिशन ले कर के अप एंड डाउन खारदुंगा टॉप का किया। तो टेरेन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब लोगों में शौक है, अब लोगों में घूमने का शौक भी है। कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया, जिंदगी ये है कि आप घर से निकलो, जिंदगी ये नहीं है कि आप जो है हर चीज़ को कलेक्ट करते चले जाओ। एवरीथिंग, सही बात सर, एवरीथिंग इज यूजलेस। तो इस पूरे ट्रिप से पहले आपने कोई फिजिकल प्रिपरेशन करी थी? बिल्कुल करनी पड़ती है। आप जब तक 5-10 किलोमीटर रोज नहीं चलेंगे जी, महीनों नहीं चलेंगे, आपकी बॉडी फिटनेस में नहीं आएगी। एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, चाहे इंडोर एक्सरसाइज करें, जिम में जाके एक्सरसाइज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं जिम नहीं पसंद करता। अच्छा जी। आप घर में करिए, जंपिंग करिए, जॉगिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, इस तरीके से आप फिजिकल फिटनेस बनाओ। तो जब फिजिकल फिटनेस आपकी होगी, फिर स्कूटर की प्रैक्टिस करो। काम आपका फिटनेस, बॉडी की फिटनेस है ना। हाँ जी। स्कूटर की फिटनेस भी तो चाहिए आपको चलाने की, और स्कूटर को कैसे मेंटेन करना मैंने आपको बताया जी। वहाँ तो कोई हेल्प नहीं है। तो जब आप फिटनेस बना ली, तब फिर आप स्कूटर की जो ड्राइविंग स्किल्स हैं उनको बारीकी से सीखो।
बारीकी से थ्योरेटिकल भी पढ़ो, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने ओवरड्राइव 10 ईयर्स तक सब्सक्राइब करी, क्योंकि कार खरीदने का शौक़ था, तो मैं कहा देखते रहेंगे क्या क्या होता है कारों में, क्या अच्छा पार्ट होते हैं, स्कूटर कौन से आ रहे हैं, बाइक कौन सी आ रही है, इस तरीके से देखते रहते थे हम लोग। तो तब हम लोगों ने उसमें एक आर्टिकल आता था सेफ ड्राइविंग का, उसको पढ़ते थे, आपको ब्रेक कब मारना है, टर्न पे कैसे टर्न लेना है, स्लिपरी रोड है, ब्लैक रोड है, मोबिल पड़ा है, पॉइंटेड पेबल्स पड़े हैं वहाँ पर, आप कैसे उसको निगोशिएट करेंगे, आपको स्पीड भी ब्रेक करनी है, तो आपकी नज़र स्कूटर के साथ चलाने के टाइम पे वही होनी है, स्ट्रेट लाइन ब्रेक मारना है आपने, आपका स्कूटर का टर्न है और आप ब्रेक मारते हैं तो स्लिप करने के पूरे चांस है, और गाड़ी को स्ट्रेट करने में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगते हैं, यूँ करा गाड़ी स्ट्रेट हो गई, तो आपको ब्रेक मारना, स्पीड पकड़ना, स्पीड में मेंटेन करना, 100% यू हैव टू बी ऑन द रोड। सर उस टाइम इंटरनेट तो इतना ज़्यादा नहीं फेमस था, सो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से कलेक्ट करी? मैंने कहा ना, मैंने ओवरड्राइव सब्सक्राइब करी मैगजीन। अच्छा जी। मैं पढ़ता था उसको। सो आपने मतलब मेनली मैगजीन्स के थ्रू मैगजीन से पढ़ते रहे और अपने आप स्किल देखी, चला करके देखा। जब मैंने बोला आपको कि 100 टाइम्स में स्कूटर लेकर के कुंजा देवी गया, बद्रीनाथ किया हमने 9 आवर्स में। अरे वाह, 9 आवर्स में बद्रीनाथ किया, तो जस्ट इमेजिन कि कितना हम लोगों ने क्लीनली उसको ऑब्जर्व किया कि हाउ टू ड्राइव, परफेक्ट ड्राइविंग कैसे हो सकती है। तो हर किस्म के ट्रेन हमने देखे, एक लीवर्ड साइड होती है पहाड़ की, वहाँ पर जो वाटर ओजिंग होती है पहाड़ से, वो नाइट में ठंडे इलाके में जम जाती है। फरवरी का मंथ था और हमें, मैंने देख लिया कुछ काला है लंबा स्ट्रेच, मैंने पीछे आने वालों को वार्न किया, लेकिन इतनी देर में मैं फिसल गया, और फिसल के भी कम से कम 30 फीट के करीब फिसलता चला गया। मैंने कहा क्या हो गया, तो वो पानी जमा हुआ था और मेरे पीछे आने वाले भी फिसल गए, चोट किसी को नहीं लगी। हम सुरकंडा देवी जा रहे थे धनौल्टी से आगे जी, तो नरेंद्र नगर से आगे का पार्ट था ये, तो ये सब चीज़ें हमने सीखी ट्रायल एंड एरर से। आपने भी पहले एक्सपीरियंस लिया काफ़ी। यू हैव टू बी अवेयर एवरी टाइम, एवरी स्टेप, चलने के टाइम पर भी। अभी ट्रैकिंग करते हैं हम लोग, तो हम पहले कसम खिलाते हैं अपने साथियों को कि बोलो आई विल नॉट स्लिप, आई विल नॉट स्लिप, आई विल नॉट मिस ए स्टेप, आई विल नॉट मिस ए स्टेप, तो हमारा स्टेप भी नहीं होता, अदरवाइज आपका एंकल ट्विस्ट कर गया, टूर बेकार हो गया। यू हैव टू बी सो कॉशियस। उस टाइम पर इतने सारे फ्यूल पंप तो रहे नहीं होंगे, सो फ्यूल का आपने कैसे मैनेज करा? नाइस क्वेश्चन, यू विल नॉट बिलीव। बजाज में मैंने 5 लीटर मोबिल ऑयल मिला करके पेट्रोल राइट साइड में, 5 लीटर इधर मनाली से, और 5 लीटर पानी बीच में रख करके जेरी कैंस के अंदर, जेरी कैन 5 लीटर के, तीनों मेरे सामने थे, और पैर आगे रख करके, पैर उठा के ब्रेक मारता था मैं, और हैंड ब्रेक, लॉन्ग रूट में आपको दोनों ब्रेक मारने हैं, फुट ब्रेक भी और हैंड ब्रेक भी। मैं क्यों, तो दोनों व्हील आपके 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, आपने एक रोक दिया, दूसरा आपको ड्रैग करेगा, डिसबैलेंस करेगा, यू अंडरस्टैंड जी। दोनों ब्रेक आपको एट ए टाइम मारने होते हैं, ओनली फॉर फ्रिक्शन, इतनी देर के लिए गाड़ी स्लो जाती है। तो हमने 10 लीटर पेट्रोल, और मेरे स्कूटर में 6.5-7 लीटर पेट्रोल आता था। अच्छा जी। 5, 5, 10 and 6, 16, 17 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर के बाद मिल ही जाता है पेट्रोल। सर लगेज बांधने में तो काफ़ी दिक्कत हुई होगी। लगेज बांधने में मैंने, लगेज मेरा थोड़ा था क्योंकि अच्छा मेरा स्कूटर में जगह नहीं थी, आजकल तो बुलेट में पीछे वो कैरियर बना के ले जाते हैं जी जी। लेकिन मेरे पास तो जगह नहीं थी, मेरे बैग में मैंने सामान भर लिया, अपने कपड़े वगैरह सब, लेकिन मेरा तो बैग रास्ते में गिर गया, एक जगह सड़क बन रही थी और वहाँ मैं आगे निकल गया, मेरे साथी पीछे थे। हाँ जी। तो रोड पर तारकोल बिछाने के लिए पिघल रहा था, तो मैं वहाँ बहुत कॉशली स्कूटर निकाल रहा था पत्थरों के ऊपर, तो उछल उछल के वो रस्सी लूज हो गई और गिर गई, मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मैं कंसंट्रेशन मेरा सड़क पे था। जब मैं उसे क्रॉस करके निकल गया तो एक ट्रक वाले ने हॉर्न दिया, टू, मैंने उसको देखा, कहता पीछे मुड़ के देखा तो रस्सियाँ नीचे लटकी हुई, मैंने रुक गया, मेरे साथी आया, मैंने कहा मेरा बैग मिला पीछे कहीं? बोलते नहीं मिला।
मैंने कहा नहीं मिला, कि चलो देखते हैं कहाँ गिरा है। मैंने कहा नहीं देखना, ये यहीं गिरा जहाँ ये मज़दूर काम कर रहे थे, और अब ये देंगे नहीं, देना होता तो लेते क्यों, मुझे आवाज़ देते आगे चलो, जो कपड़े मेरे पास हैं मैं इन्हीं में जाऊँगा। मैं उन्हीं कपड़ों में गया और कैश जो कुछ भी था, कीमती चीज़ें, कैमरे कैमरा सब मेरे पास था, मैंने वैसे कवर किया। तो बांधने की दिक्कत थी स्कूटर में और वो नुकसान मेरे को उठाना पड़ा। तो काफ़ी टफ एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए, एक ही आउटफिट में पूरा सब कवर करना। सारी ठंड कवर करी मैंने, अंदर तो स्वेटर पहनते थे हाफ जी, ऊपर शर्ट, इनर मैंने कभी पहना नहीं, एक स्वेटर बाहर, एक जैकेट, उसके ऊपर रेनकोट था, तो रेनकोट में हवा जाती नहीं थी, बाकी हेलमेट था। तो टेरेन देखा, आइडिया था ही कैसा टेरेन है, निकल के चले आए हम लोग। सर उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया तो था ही नहीं जी, इसे ये इंस्टाग्राम फेसबुक। अब आज की डेट में अगर लोग ये लद्दाख करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे फ्रेंड ग्रुप ही हैं तो वो ये सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अच्छा अभी लोग जा रहे हैं तो मतलब हमें भी चलना चाहिए, तो एक ये वाले पर्पज़ को लेकर लोग अभी इस समय जा रहे हैं। आपने उस टाइम पर किस चीज़ को दिमाग में लेकर ये चीज़ की थी कि मैं लद्दाख जाना चाह रहा हूँ? उस टाइम पर ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, सो क्या आया आपके दिमाग में? ऐसा है, जब स्कूटर हमने चलाया और इतनी बार घूम लिए आसपास जी, तो हर बाइकर की एक तमन्ना होती है कि मैं लॉन्ग ड्राइव करूं। क्यों, सिटी में चला के स्कूटर का मज़ा नहीं आता, गाड़ी का चलाने का। बुलेट ले लिया आपने, आप अपने शहर में कहाँ घुमाओगे आप? बुलेट क्यों लेंगे आप? बुलेट दिखाने के लिए थोड़ी होती है, बुलेट तो घूमने के लिए होती है। और घूमेंगे कहाँ आप? जब लॉन्ग रन निकालेंगे आप तो पहले पास पास के जो एक्सकर्शन पॉइंट्स हैं उन पर जाइए, चकराता जाओ, ये देहरादून का रूट कवर करो आप, या और आसपास के इलाके हैं, देवप्रयाग तक घूम आओ आप, चीला के जंगल में घूम के आ जाओ निकल करके। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तब फिर लॉन्ग रूट की तमन्ना होती है कि गाड़ी भगाई तो है नहीं हमने। लड़के सड़क पे भगाते हैं, हमारा तो एक स्किप हो जाती है, हार्ट की बीट जो है ना स्किप कर जाती है कि कैसे चला रहे यार, मेरे आगे से निकल के चला गया बाजार के बीच में से। तो हम लोगों को जब ये था तो एक लड़की काइनेटिक होंडा पे खारदुम टॉप करके आई, काइनेटिक होंडा स्कूटर चला था बीच में एक बार, हाँ जी हाँ जी, वो उस पर वहाँ होके आई। मैंने कहा यार ये तो अप्रोचेबल है, जा सकते हैं यहाँ। मैंने मन बनाया कि यार हम भी किस दिन दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जब आपने पढ़ लिया और आप बाइकर हैं तो आपकी एक तो इंटेंशन रहती रहती है कि मैं भी कभी ना कभी जाऊँगा इस पॉइंट पर जाऊँगा, तो हमारे में दिल में भी पैदा हुआ जी। फिर हमने प्रैक्टिस करके निकल गए, दैट वॉज अ थिंग कि हमने खरदुंगला टॉप करना है। आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, सो डॉक्टर की स्टडीज़ के साथ या मतलब बीइंग अ डॉक्टर ये सब चीज़ें इजी रहीं आपके लिए? मैंने बोला ना कि फिजिकली फिटनेस तो हम आज ही मेंटेन रखते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, स्टिल आई एम गोइंग टू हैव अ ट्रैक। मैंने बोला नहीं आपको कि चलो केदारताल चलेंगे, जी जी जी, नोबडी इज़ रेडी टू गो। कितने को बोल चुका हूँ मेरे साथ चलो चलो, चलता ही कोई नहीं है। अब मेरे को, मैंने 15 में किया था तपोवन जी, 6 में किया था मैंने सतोपंथ, 12 में किया था मैंने मणिमहेश, तुंगनाथ किया था 10 में, टॉप तक गए हम, रात काट के आए। तो शौक तो है पर कंपनी भी चाहिए होती है, आउटसाइड में अकेले जाना दिक्कत अलग है, पर जाते हैं लोग जी। लद्दाख सिंगल जाते हैं, मनाली में एक प्रेस रिपोर्टर मैड्रास से चल के आया, उसके पास उस ज़माने में भी 7-8 लाख रुपए के कैमरे थे और वो पूरे ट्रिप को रिकॉर्ड करने के लिए निकला हुआ था। हमने पेट्रोल पंप पर पूछा भी तुम ये बुलेट पर कहाँ जा रहे हो? हम लद्दाख जा रहे हैं। मैंने कहा हमारे साथ चलो, उसकी गाड़ी चढ़ी नहीं ऊपर, तो जो मेरे साथ के मैकेनिक था जी, उसने बोला कि इसका फिल्टर निकाल दो, जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए ना गाड़ी को भी ऑक्सीजन चाहिए, इसका फिल्टर निकालो तब चलेगा। और पूरा रूट उसने बिना फिल्टर के किया और बाद में मिल के भी गया, पीछे रह गया हमारे स्कूटरों से, स्कूटर की स्पीड ज़्यादा थी, अच्छा बुलेट नहीं कवर कर पा रही थी, वो एक दिन बाद पहुंचा। इस तरीके से एक्सपीरियंस रहे वहाँ जाने के, ये बैकग्राउंड रही हम लोगों की, वेरी डिफिकल्ट लेकिन मेंटली फिट थे हम लोग। अपने आप को मेंटली किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग? मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ही गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, जब आप रफ टेरेन में गाड़ी चलाएंगे, आउटिंग करेंगे, तो द टाइम यू लेफ्ट योर होम, घर से निकलते ही परेशानियाँ स्टार्ट हो गई। जैसे भाई आपसे घर से निकलते ही हर किस्म की परेशानी स्टार्ट हो गई,
खर्चा भी चाहिए, खाने पीने का भी ढूंढना पड़ेगा, रहने का भी ढूंढना पड़ेगा, कोई भी किसी किस्म की इवेंचुअलिटी हो सकती है, उससे आपको कैसे टैकल करना है, कोई बदमाश मिल गया, कोई लुटेरे मिल गया, क्या करना है, घर से निकलते सारी परेशानी स्टार्ट है, रिस्क है बिल्कुल। फिर एडवेंचर टूर पर जा रहे हैं तो एडवेंचर तो अपने आप में एक रिस्क है, तो आपको पहले से ही हर चीज़ को बैलेंस करके सोच करके, ऐसा होगा तो क्या करना है, ऐसा होगा तो क्या करना है। पहला काम तो यह है बाइक से गिरना नहीं है, चोट नहीं खानी है, बाकी काम तो सड़कों पर जो होगा देखा जाएगा। तो स्किल ड्राइविंग की, मेंटली प्रिपरेशन अपने आप आपको करनी होगी, कौन सिखाएगा आपको, आपको अपने आप की फिटनेस खुद मेंटेन करनी है ना जी, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनकी ट्रेनिंग होती है आर्मी में, इनकी अच्छा। ट्रेनिंग होती है एयरफोर्स में, इनकी ट्रेनिंग होती है हजारस जो काम होते हैं वहाँ, उनको ट्रेन किया जाता है, देखो ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो उस तरीके से अलर्ट रहते हैं। तो ये भी एक खास किस्म की खतरे की चीज़ है जी, तो आपको एडवांस में अलर्ट होकर चलना पड़ेगा ना, मेंटली मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग में कि मुझे जाना है, मुझे खतरा नहीं। सो ये सब चीज़ें आपके अंदर से ही आती हैं ऑटोमेटिकली, यू हैव टू लर्न, ये बाय बर्थ होता है अगर ऐसा नहीं, कहें तो। बाय बर्थ तो नहीं होता है जी, अब बाय बर्थ कैसे सीख लेंगे आप, गियर बदलना है कैसे करना है, चीज़ें नहीं, जो होता है कि ये रिस्क लेना, एक चीज़ जो होता नहीं, जो एडवेंचर को फेस करने की चीज़ है, वो तो गॉड गिफ्टेड चीज़, मैंने बोला ना कि वो तो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको दी गई है सच, लेकिन फिर भी आप उसको और शार्प कर सकते हैं। आप और किन किन जगह सर आप ट्रैवल कर चुके हैं अपने इसी स्कूटर पे, अगर मैं पूछूं? हम रेणुका लेक है, अच्छा जी, वहाँ भी गए हैं, रेणुका लेक ये नाहन के पास है, बहुत सुंदर लेक है वो, अच्छा जी, आजकल काफ़ी उसका ऐड है, देखना आप जा करके, जू भी है वहाँ पर, होटल भी बहुत बन गए, उस ज़माने में तो एक दो होटल ही थे, अच्छा जी, लेकिन मेन जो टारगेट था हमारा वो लद्दाख का ही था। मैं एक बार मेरा ट्रांसफ़र हो गया वाराणसी, वापसी में आया था, मैंने कहा किसी ढंग से वापसी हो गई मेरी, एक ऑफिसर ने मुझे वापस किया, मैं गाई वांट टू सेलिब्रेट, बहुत लोगों को इकट्ठा किया, पर एक सिक्स जो मेरा फ्रेंड था बहुत क्लोज, ही वॉज रेडी टू गो विद मी, उनके पास प्रिया था, अच्छा, तो उसको लेकर के फिर हम स्पीति गए, अच्छा जी, हरिद्वार से हम गए देहरादून, नाहन, नाहन से शिमला, शिमला से पौंटा साहब, पौंटा साहब में रात काटी हम, 3:30 बजे लग गए, 6:30 बजे के चले हुए, 3 बजे से हमने पौंटा साहब गाड़ी लगा दी अपना स्कूटर, फिर वहाँ से रामपुर बसाया, ज्यूरी, सराहन, करछम, रक्षम, सांगला, छिटकुल, जंगे, मुरंग, खाब, नाका, यंगथम, समधु, किब्बर, बहुत दूर तक गए हम लोग, पूह, खाब, नाका और यंगथम, समधु में जा करके जो है लैंड स्लाइड हो गया, उधर की बस वहाँ रह गई, इधर की बस यहाँ रह गई, वहाँ से फिर हम वापस आना पड़ा हमको, 1400 किलोमीटर हमने 4 दिन में किया, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट रूट था, ये भी हमने किया, ये 93 में किया मैंने, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था लद्दाख जाने से पहले का। हाँ, तो उसके लिए आपकी ऑलरेडी एक प्रैक्टिस हो गई इस चीज़। फिर उसके बाद जो है फिर तबीयत भर गई, फिर हमने अपनी गाड़ी ली, गाड़ी से घूमते हैं, गाड़ी से भी बहुत घूम लिए जी, कुमाऊँ, गढ़वाल, कोई पार्ट नहीं छोड़ा, अब तो मुनस्यारी, हाँ जी, मुनस्यारी तक गए, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सब किया हुआ है। अरे वाह, जब आप यहाँ से लद्दाख के लिए निकले थे सर, तो आपने कुछ फूड के लिए भी प्रिपरेशन करी होंगी, कि आप क्या क्या मेडिसिन लेके गए थे, तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी अपने इस मेडिसिन वाले पार्ट में? बहुत बढ़िया है, जब तक आपको इसका पता नहीं होगा खतरे क्या है वहाँ, डायरिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, हेडेक, फीवर, कोल्ड, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, फिर हाइजीनिकली आप इतने साफ नहीं होते हैं, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जो दवाइयाँ सूट करती हैं, जो मेडिसिन आपको खा चुके हैं जिनको आप, उन मेडिसिन को अकॉर्डिंगली अपने पास लेके चलना ज़रूरी है। कॉमन कोल्ड की जो मेडिसिन आपको सूट करती हैं उनको रखो, कफ एंड कोल्ड की जो मेडिसिन सूट करती हैं उनको रखो, डायरिया डिसेंट्री की मेडिसिन है उनको अपने पास रखो, इस तरीके से एमरजेंसी की मेडिसिन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। फिर ORS के पाउचेज होने ज़रूरी हैं, इलेक्ट्रॉल वगैरह जैसे है, स्मॉल होंगे ज़्यादा अच्छा है, एक घोला पी लिया, बड़ा जो है सील जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आप छोटे पैकेट रखो और ओकेजनली इसको पीते रहो। ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि डिहाइड्रेशन, आप लॉन्ग रन तक स्ट्रेच में गाड़ी चलाते रहते हैं, और इससे पहले कि आपको पता लगेगा कि डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया है, बहुत पहले डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है,
इसलिए फ्रिक्वेंटली पानी आपके पास खूब होना चाहिए। फिर खाने पीने के लिए इमरजेंसी में कुछ नहीं मिल रहा है तो बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए आपके पास घर के बनाए हुए लड्डू हैं, पाइनएप्पल जैम, फ्रूट जैम हैं, अच्छे रिच बिस्किट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें आपके पास लेके चलनी होती हैं। एक मज़े की बात ये हुई कि जब हम चलने लगे तो एक बहुत एज लेडी थी, वो उनको पता था, उन्होंने कहीं टीवी में देख रखा था कि लद्दाख का रूट क्या होता है। अच्छा, उन्होंने मुझे आगे हाथ जोड़ कर कहा कि मत जाना लद्दाख, बहुत ख़तरनाक है डॉक्टर साहब, हम किससे इलाज कराएंगे, मत जाना मत जाना। और जब मैं कि अगर आपको जाना ही है तो मुझे बता देना किस दिन जाना है, आपने स्कूटर तो यहीं से लेने आएंगे आप, अपने क्लिनिक पे रखते थे। अच्छा जी। मैं कहूँगा मैं, उन्होंने मुझे 2.5 किलो लड्डू काजू बादाम के बना करके, देसी घी के आटे के लड्डू बना के दिए, सारे मेवे भर के, कि ये मेरी तरफ से ले जाओ, आपको रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ मैंने देखा है बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पर, अभी भी देख लो, मत जाना। लेकिन हम गए तो आपको घर के बने हुए पकवान थोड़े से रख लेने में नुकसान नहीं, रखने ज़रूरी हैं। बिस्किट, ब्रेड्स, फ्रूट जैम, टोमेटो सॉस, ये सब मिलता था, ये तो चीज़ें रखनी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स, ग्लूकोज के पैकेट छोटे, इलेक्ट्रोलाइट के पैकेट, ये रखने बहुत ज़रूरी है। जैसे आज की डेट में तो मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे, आज की डेट में तो बहुत जगह टेंट लग गए हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी आपके पास अपना पास होना चाहिए। सपोज स्नोफॉल हो गया कहीं, जी जी जी, वो तो बहुत वायलेंट एरिया है ना, कुछ भी हो सकता है। जब हम खारदुंगा चढ़ रहे थे तो क्लाउड्स नीचे थे और हम हाइट पे थे, लेह 11,000 फुट की हाइट पे है, हम 16-17,000 फुट पे थे, खारदुंगला 18,000 फुट पे है, तो लाइफ में पहली बार हमने देखा कि क्लाउड्स नीचे हैं और उसमें लाइटनिंग हो रही है, और जैसे जैसे बादल ऊपर को आते गए तो मेरे को जो फियर कॉम्प्लेक्स हुआ, मैंने साथियों से कहा स्कूटर से दूर हट जाओ और पहाड़ के पास आ जाओ, ऊपर से आने वाले पत्थरों को देखना, पेबल्स ऊपर से जब बिजली कड़कती थी तो छोटे छोटे पत्थर ऊपर से फिसल के नीचे आते थे, इतने में जो क्या हुआ, बर्फ़ गिरने लगा, बर्फ़ गिरने लगा, लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब बर्फ़ गिर गया वहाँ पर। अब उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे आगे, बर्फ़ गिर गया, 7 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ गया, रह गया था। तो ये सारी इवेंचुअलिटीज जितनी हो सकती हैं वहाँ पर, जितने खतरे हो सकते हैं, इनको भांपते हुए हर चीज़ रखनी ज़रूरी है। तो खाने का सामान तो आपको चाहिए ना अपने पास, जी, वो रखना ज़रूरी है। पर हम उसी बर्फ़ में पहाड़ की साइड से चिपट करके गाड़ी को फर्स्ट सेकंड गियर में निकाल के ले गए, कच्चा बर्फ़ था, उसमें स्लिप नहीं मारते, लेकिन केयर से हम निकल के चले गए, वापस भी आए सब पे लौट के। जी 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 जी। हालांकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी हेडेक हुआ तो गोली खा ली, और जो सिकनेस होती है हाई अल्टीट्यूड की, इन सब के बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि हाई अल्टीट्यूड में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। सेरेब्रल एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, पानी भर जाता है दिमाग में, फेफड़ों में, लेकिन ये तब है जब आप लेबर करेंगे वहाँ जाके, और सडनली जाएंगे। हम रुक रुक के गए, पहले मंडी रुके, फिर किलोंग रुके, फिर सारचू रुके, फिर लद्दाख रुके, फिर गए हम खारदुंगला, तो ये एक्लेमेटाइज होकर के हम अपने आप को बचाते हुए निकल गए। तो सर आपके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अगर मैं भी आपसे बात करने बैठूं मेरी बात तो पूरी रात नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म, मैं तो बात करता रहूँगा आपकी मेरी पहले भी काफ़ी बार बात हो चुकी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज हो, कोई ऐसी टिप हो, हम यूथ के लिए या आपके बच्चों के लिए, हम सब आपके बच्चे ही हैं सर, तो उनके लिए आपको एक मैसेज, कोई एक टिप देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह कि देखा देखी नहीं जाएंगे आपकी, भाई वो जा रहा मैं भी जाऊँगा, वो जा रहा मैं भी जा रहा हूँ, गाड़ी निकाली और चल दिए, ऐसा नहीं। पहले आप अपने आप को परफेक्ट करो, गाड़ी चलाने की आपकी अपनी जो व्हीकल है उसकी मास्टरी आपको होनी चाहिए कि क्या ब्रेक इसका लगता है, कितनी देर में रुकती है, कितना इसका पिकअप है, कितना इसका स्पीड पकड़ती है, मोड़ पर कितना ये झोंक लेती है, आप हर चीज़ को अपनी गाड़ी के पहचानते हैं, हमें पता है कि हमारी गाड़ी कैसे चलती है। तो उस तरीके से जब तक आप अपने मेंटली, आपका दिल ना कहे कि हाँ मैं फिट हूँ जाने के लिए, देखा देखी नहीं जाएंगे आप। फिर वायलेंट वेदर कंडीशंस होती हैं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, पांग से ऊपर मोरे प्लेन है, वहाँ 150-150 किलोमीटर की हवाएं भी बोलते हैं कि चलती हैं, हमें नहीं मिली, हमें कहीं बारिश भी नहीं मिली, सिर्फ अच्छा। लद्दाख के ऊपर के हिस्से में जो है खारदुंगला के पास, वहीं बर्फ़ गिरा, बट अदरवाइज पूरा क्लाइमेट मौसम बढ़िया रहा हमारे लिए। सड़कें अच्छी नहीं थी, नदी नाले थे, ब्रेंडी नाला, ताक नाला, ताकला नाला, ये खूनी नाला,
ये तीन नाम मेरे को याद हैं, इनको निगोशिएट करने में बहुत दिक्कत हुई थी। इनके नाम भी थे? हाँ, ये नाम थे उनके, खूनी नाला, ब्रांडी नाला, ताकला नाला। तो ये खूनी नाला क्या था सर? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। खूनी नाले को मैंने कहा भाई खूनी नाला क्यों है जी? तो मैंने कहा रुको यार, ये हम देखते हैं, किसी से पूछेंगे, कोई आएगा तो उसे पूछते हैं, यहाँ का कोई आदमी होगा। कोई नहीं आया, वहाँ का हम कौन आता था। मैंने कहा देखो पानी जो आ रहा है, आप गौर से देखो, ये अभी पानी रुक गया ना, अब थोड़ी देर के बाद जब बहुत तेज़ी से पानी आया तो सडनली जो पानी ऊपर कहीं ब्लॉक होता है वो गश के साथ नीचे उतर के आता है, तो संभवतः इसलिए खूनी नाला कहा होगा उसको, कि जो क्रॉस कर रहे हैं वो उनको बहा सकता है। ऐसा मेरा ख्याल है, इसलिए इसे खूनी नाला कहा होगा, क्योंकि पानी ऊपर कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा, फिर सडनली पत्थर हट गए और एकदम से बह के आ गया। डेंजरस चीज़ है, तो ये टोरेंट की तरह उसने पानी आएगा वहाँ तो आप फंस सकते हैं, लाइक दैट वे। ये नाम से समझ में आता है कि खूनी नाला मतलब खूनी ही है। ब्रांडी नाला गंदा पानी है, उसमें मिट्टी वाला पानी आ रहा है, गाढ़ा सा पानी आ रहा है, डार्क कलर का पानी आ रहा है, तो ब्रांडी नाम रखे हुए हैं। तो सर अर्ली 2000s में आपने ये लद्दाख ट्रिप किया था, आपके टोटल ट्रिप का एक्सपेंस क्या आया होगा? मेरे को याद है 3,300 rupees ओनली टोटल, 1,800 rupees मेरा पेट्रोल का लगा था, खाना पीना सब इसी में हो गया था, 3,300 rupees। और आज के रेट में इतने महंगे महंगे ट्रिप्स होते हैं सर, अब पेट्रोल भी तो बहुत महंगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, 100 rupees का उस टाइम मेरे ख्याल से 30-35 rupees का रहा होगा कि कितना रहा, इतना याद नहीं रहा, लेकिन 2400 kilometers हमने किया और 1800 rupees का पेट्रोल लगा था, तो पता लग जाएगा कितना खर्चा हुआ था। लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये 3,500 rupees काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, 23 years बैक, हाँ बहुत फर्क, 3,500 rupees। अभी क्या है एज अंकल? हाँ, आपकी क्या एज है? एज एग्जैक्ट कहते हैं, एज नहीं बतानी चाहिए किसी को। हाँ जी ऐसा ही है ना। जी जी जी, लेकिन हाँ जी फिर भी आई एम अप्रोचिंग 75। अरे नेक्स्ट टू मंथ। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप अभी 75 अप्रोच कर रहे हैं, तो 75 ईयर्स की एज बहुत होती है सर, इसमें खूब एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है और आपको दिल से रिस्पेक्ट है एज अ ट्रैवलर, एज अ बाइकर। आप 75 की एज अभी अप्रोच कर रहे हैं, और अगर मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बात करूं, सो हम अगर कोई ट्रैक करने से पहले, हम आज भी अगर मैं बोलूं कि ये हम 20-22 साल के लड़के भी थोड़ा सोच लेते हैं कि यार करें ना करें, जाएं ना जाएं, थक जाएंगे यार भाई, थका देगी ये चीज़। अगर हम आज कुछ दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, और आप आज भी केदारताल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सो ये अभी भी आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है? वो ऐसा है कि मैंने वहाँ का टेस्ट ले लिया ना जी, वो टेस्ट ऐसा है कि जाके जो जाते हैं उन्हीं को पता है कि क्या चीज़ है ये, इस ट्रैक में क्या मिलता है, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों का प्योरिफिकेशन है वहाँ पर। और एक ट्रिप कर लेने के बाद जो आप रेजुविनेट होकर के आते हैं वहाँ से, वो कितने बढ़िया टॉनिक ले लो आप, कितनी बढ़िया खाना ले लो आप, नहीं हो सकता। तो आप बेसिकली अपने माइंड की पीस के लिए जाते हैं? आपको अपना माइंड सेट अगर इतना तैयार करके चलते हैं तभी कर सकते हैं आप। क्योंकि मैंने टेस्ट लिया हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मौका लगे तो मैं फिर जाऊँ, पर तो मुझे डाउट है इस बार कि संभवतः मुझे परमिट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ भी तो कंट्रोल है हर एक चीज़ का। तो मेरे को अगर परमिट नहीं मिला और मैं गया तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन लगता है कि मैंने देखे हैं लोग जाते हुए, हिम्मत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वहाँ परमिट मिल जाएगा, चले जाएंगे। जी जी जी। और अब ये भी लगता है कि जोड़ जो है ना घुटने के, कुछ एजिंग के साथ दिक्कत कर सकते हैं, तो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे चंडी देवी की, मनसा देवी की। जब 10-10 बार चल लूँगा और मुझे लगेगा कि मैं 8-10 kilometers चल सकता हूँ, तब उसके बाद फिर निकलने का मूड है। पहले मैं अपने आप को टेस्ट करूँगा, क्यों, बीइंग ए मेडिकल पर्सन, और भी बहुत सारे हजार से उम्र के होते हैं, आपका हार्ट, वैसे तो हम एनुअल चेकअप कराते हैं अपना, उसके बाद निकलते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, मैं दिल्ली जाता हूँ, पूरा चेकअप कराते हैं, ब्रेन से लेकर नीचे तक, आँखें, नाक, ENT, ईयर, वो हार्ट, लंग्स, एब्डोमिन, अल्ट्रासाउंड, ऑर्थोपेडिक, सबको दिखा करके आते हैं, जब क्लियर हो जाता है तो हम कहते हैं निकलेंगे। तो आज के यूथ को भी ये चीज़ करानी चाहिए? करानी चाहिए, जनरल तो आइडिया लेना ही चाहिए, BP दिखाओ, ECG दिखाओ, अपने फैमिली का ट्रेडिशन देखो कि उनके घर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। अब देखो ना, यंग डेथ होती हैं, कितने 4-6-5
हीरो डेथ हो गई उनकी, जी जी जी, जिम में जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तगड़े तगड़े हैं, व्हाट इज दिस? तो जीन्स में जो डिफेक्ट है वो तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो जाने से पहले हार्ट वगैरह सब चेकअप कराना जरूरी है, जरूरी। बीपी कितना है आपका, शुगर लेवल कितना है आपका, जॉइंट्स आपके कैसे हैं, ये सब चीज़ें दिखानी जरूरी, जनरल चेकअप। जी जी जी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस। आप ट्रिप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो हमें मतलब फिर भी कराने चाहिए ये चेकअप तो मैनुअल, जनरल चेकअप तो करा ही लेना चाहिए। जी जी, और ये तो खैर इस उम्र में होता नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना फैमिली बैकग्राउंड देखनी जरूरी है। अगर किसी के घर में मान लो फादर की 60 साल में डेथ हो गई हार्ट अटैक से, तो उनके बच्चों को 40 साल में डेथ हो सकती है, 40 साल वाले को और जल्दी हो सकती है, और आज की उम्र में तो छोटे बच्चों को ही दिक्कत हो रही है, यंग चैप्स जितने हैं ये ज़्यादा बीमारी में ग्रस्त हो रहे हैं। क्यों? लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेंटेलिटी चेंज हो गई जी। घर में स्टे करके आप काम कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो इन लोगों को ज़्यादा रिस्क है, और यही लोग सफ़र करते हैं। जा करके आप पेपर पढ़ के देखो, अक्सर डेथ होती है, यंग चैप ट्रैकिंग में ख़त्म हो जाते हैं, तो सोच समझ के आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए। अभी सर एक ने जो सिंगर था वो गाने बहुत बहुत देर तक 12 घंटे तक के था सर, जी जी जी, जी के सर, तो इतनी यंग एज में ये हार्ट अटैक आने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न एक ही है जी, कि अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड में डिजीज है तो जीन्स के थ्रू वो आती है। नंबर दो मैंने बोला कि लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन और सोच विचार, ओनली तीन पिलर हैं लाइफ के। अगर आप तीनों डिसिप्लिन में रखते हैं देन एवरीथिंग इज ओके। बट जो चीज़ जीन्स में आनी है उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं पर उसको स्टॉप नहीं कर सकते। खान पान अगर आपका कंट्रोल में है तो आपको बीमारी के चांसेस नहीं है, गोले पे खाओगे तो लूज मोशन हो सकते हैं ना, घी ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत होगी ना हार्ट की। सोच विचार, आप बढ़िया खाना खा रहे हैं लेकिन आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आपके माइंड में टेंशन है, टसल है, आपको सोच रहे हैं, आपके जूस नहीं बनेंगे पेट में, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको बॉडी को लगेगा नहीं, इसलिए मेंटली फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और रहन सहन, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को टीवी देख रहे हैं, लगे हुए हैं 12 बजे तक मूवी देख रहे हैं, दिस हैज़ टोटली स्पॉयल्ड द लाइफ ऑफ द यंग चैप्स एंड होल ऑफ द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। इसको आप रीओरियंट करके फिर से लाइन पे लाएं और अपने आप अवेयर रहें कि हमें इन चीज़ों से बचना है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो सर, जैसे कि अभी हम ये अपना पॉडकास्ट का एंड करने से पहले, अगर आप हमको एक, हम आपकी तरह लंबे टाइम तक ऐसे फिट रहें, ऐसे आपकी तरह घूम फिर सकें, ट्रैक कर सकें, सो आप क्या टिप देना चाहेंगे? गो थ्रू वन सेंटेंस जी, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज द बेस्ट फिजिशियन। नाउ टेल मी, माइंड और बॉडी का अगर डिसिप्लिन है, इससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। ये बहुत डेप्थ की चीज़ है, इसको अगर आप एनालाइज करना चाहेंगे तो मैं आपको एक घंटे तक सुना सकता हूँ कि क्या है ये डिसिप्लिन ऑफ माइंड। भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ब्रेक कहाँ मारना है, कैसे देखना है, सड़क देखनी है, हवा कितनी तेज़ चल रही है, मैं हिल रहा हूँ, मेरा इंजन की आवाज़ कैसी है, मेरा इंजन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, आप माइंड से देखेंगे ना, डिसिप्लिन से गाड़ी चलाएंगे तो आप नहीं गिरेंगे ना जी। माइंड एंड बॉडी, बॉडी आप आराम तलब हैं, घर में पड़े रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो बीमारी होंगे ना, तो आपको अपने आप को फिट रखने के लिए बॉडी और माइंड दोनों को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। इसमें सब कुछ आ गया, खाना पीना भी आ गया, रहन सहन भी आ गया, सोच विचार भी आ गया, डेली भी आ गई, आपकी डेली स्टाइल भी आ गया, इसको डेप्थ में ले जा करके सोचो, देन यू कैन पिक अप फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक आप फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। तो सिर्फ जिम जाना जरूरी नहीं है, अपनी जिम जाना पत्ते ही जरूरी नहीं है। जिम में कौन जाएगा बताओ, आपको बॉडी बिल्डिंग का शो करना है, मसल्स शो करनी है, वहाँ जाके हैवी वेट करते हैं, आप अपने ज्वाइंट्स खराब कर रहे हैं। आप हल्के वेट से
कई सेट्स में करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, जबकि हैवी वेट से करना नुकसानदायक है। फिर जिन लोगों को कंपटीशन में जाना है, बॉडी शो में जाना है, वो तो करते हैं, वो तो हैबिचुअल हो गया उन लोगों को, तो वो तो करके अपना मेडल ले लेंगे, अपना नाम कमा लेंगे, उसके बाद ज़िंदगी के आखिर टाइम में वो सफ़र करते हैं। तो जिम हर एक के लिए नहीं है, फिटनेस के लिए आप लाइट एक्सरसाइजेस घर में करो, जैसे डाइनिंग टेबल के सहारे खड़े हो जाओ, जॉगिंग स्टार्ट कर दो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1500 टाइम जंप करता था जब जाने के लिए मैंने तैयारी करने की स्टार्ट करा, 1500 टाइम, आधा घंटा लगता था मेरे को, बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे 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 कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो। छोटे डंबल रखो, उनसे आप आर्म्स को मजबूत करो, पुशअप कर लो, दीवार से पुशअप कर लो, पर करो करो तो सही जी। बैठ की एक्सरसाइजेज हैं, साइकिलिंग करो, रिवर्स साइकिलिंग करो, दोनों साइकिलिंग करो, लेग्स को घुमाओ, बैक की बैक को मजबूत करने के लिए आपने बाइक चलानी है तो आपकी बैक मजबूत होनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैक की एक्सरसाइज करो, रिवर्स एक्सरसाइजेस करो, नीचे लेट जाओ, मुंह नीचे करके लेग्स को उठाओ, दूसरी लेग को उठाओ, सामने से उठो, आप 200 टाइम्स उठो, लाइक दैट वे। बैक और कोर स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बैक की मसल जो माइनर मसल जो आपकी रिब्स को आपके वर्टिब्रा को कंट्रोल करती हैं मजबूत होंगी ना। आप कितने घंटे 10-10 घंटे स्कूटर चलाया तो आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, तो फिटनेस करके चलेंगे ना आप। जी जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, घर की एक्सरसाइज आधे घंटे की बहुत है। जिम में जाके आपका टाइम भी ख़राब होगा, मनी भी ख़राब होता है, और उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों? आपको बॉडी शो करने के लिए थोड़ी जाना है। तो घर में रख सकते हैं, डंबल रखे हैं, मैंने भी रखे हैं जी, लेकिन अब बॉडी थोड़ी बनेगी हमारी पर हाँ, स्टैमिना मेंटेन रख सकते हैं जी। सो आपकी ये सारी बातें मैं अपनी लाइफस्टाइल में भी अप्लाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी रखेगी, और इसको शेयर करने अपने फ्रेंड्स में। बिल्कुल सर, और एंजॉय द लाइफ, दिस इज द लाइफ। कोरोना में फाइनली दुनिया भर में सर्वे हुआ और ऑनलाइन पूछा गया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबसे करोड़ों लोगों ने जवाब दिया, व्हाट डू यू लर्न इन कोरोना। क्या जवाब था सबका? उनका सबका जवाब, सबका जवाब एक ही था, दिस ज्वेलरी, दिस मनी बैलेंस, मनी बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, ये लग्जरी सब बेकार है। जी लो जिंदगी, जी लो, ढंग से खाओ, ढंग से पियो, कल का पता नहीं है। कितने लोग चले गए, लाखों लोग चले गए, सच पता है, यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो जिंदगी जियो। अब ये जो फुटफॉल ज़्यादा होने लगा हिल स्टेशन पर, लाखों लोग जा रहे हैं, ये पागल हो गए क्या? इन लोगों ने भी यही सीखा है, अब ट्रेंड चल चुका है बाहर जाने का, घूमने का, सब निकलते हैं, लेडीज भी, जेंट्स भी, गर्ल्स मोनो एलोन निकल जाती हैं, घूम के आ रही हैं, दुबई कहीं भी। तो ये जो है इसलिए हुआ कि लोगों को पता लग गया, और ये जितने लोग आज सर्विस कर रहे हैं इनडोर से, इन लोगों ने साफ कह दिया है कि हम 50-55 साल के बाद हम नौकरी नहीं करेंगे, हम इतना कमा लेंगे कि बाकी ज़िंदगी मस्ती तो ले सकें, घूम तो सकें, ज़िंदगी का मज़ा तो ले सकें, अदरवाइज व्हाट इज लाइफ। तो ये एक शौक पालना चाहिए लोगों को, घूमने का, और ये रेजुविनेटिंग है। मेरे को एक वाक्य याद आया कि चंडीगढ़ में 3 IAS अफसरों को हेलीकॉप्टर से उठाया गया, आपको ऑर्डर आ गया इसी टाइम आपको कुल्लू जाना है, और कुल्लू ले जाकर उन्होंने एक पहाड़ पर उतार दिया उनको, और वहाँ से उनको बोला कि वो सामने टेंट लगे हैं 7 किलोमीटर, आपको वहाँ जाना है। वो वहाँ गए, उसके बाद 10 दिन के बाद उनको उठा के ले आए। उन्होंने कहा भी हमें क्यों ले गए थे वहाँ, तो बताएंगे। और साइकेट्रिक जो डॉक्टर्स थे वो उन लोगों को 1.5 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा, उन लोगों ने एनालाइज करके बताया कि जितने काम भी पेंडिंग थे वो सब काम IAS अफसरों को, सारे काम, अधिकांश काम 1.5 साल में कंप्लीट हो गए। मतलब ये आउटिंग से आपके अंदर माइंड के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ती है, रिलैक्सेशन होता है, दिल को कंसोलेशन मिलता है कि आराम मिलता है, जो आप डेली के रूटीन में नहीं पा सकते जी।
तो ट्रैवलिंग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी, आउटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। सो आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम मैंने भी और हमारी पूरी ऑडियंस ने भी काफ़ी सारी नॉलेज गेन करी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम वेरी हैप्पी अगर लोगों ने इन सब बातों को फॉलो किया जी, आई एम श्योर दे विल बी बेनिफिटेड विद दिस ऑल दीज थिंग्स, ड्राइविंग और ट्रैकिंग और आउटिंग, ये रियली रेजुवेटिंग है, रिफ्रेशिंग है, डू इट डेली, वंस ए वीक यू गो आउटसाइड। जी थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट सर, ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बी हैप्पी एंड आपने खूब नॉलेज शेयर करी और काफ़ी सारी बातें जो आज हमने की, खूब नॉलेज मैंने भी गेन करी, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे भी काम आएगा, हमारी ऑडियंस के भी काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। सो दैट वॉज टुडेज पॉडकास्ट, हमारे शो का सबसे पहला एपिसोड। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय करा होगा, अगर गाइस इन्जॉय करा तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, और इस वीडियो से आपको जो भी नॉलेज मिली है डू शेयर विद अदर्स, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना विद एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली। और हमारे चैनल पर सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स और भी ट्रैवल रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, रिलेटेड टू बाइक्स, मोटरसाइकिल्स एंड मैनी मोर। हम लोग मिलेंगे ऐसी बढ़िया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर। Oh my God.